अब अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। अभिकरण से अर्थात क्या है, उसके कुछ अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, विश्व राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं, जिसमें पहली है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरणों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकरणों में WHO का नाम आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भवन देखें, WHO, इसकी स्थापना हुई 1948 में। और चूंकि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, प्रतिवर्ष आपको याद होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे अहम उद्देश्य है विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर उसको परिभाषित किया है कि स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दर को प्राप्त करने का प्रयास। संगठन का जो संविधान है उसमें भी कहा गया है कि ये बीमारी या दुर्बलता का हम अभाव नहीं मानते, किंतु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से उत्तम होने की दशा मानते हैं। पिछड़े देश के लोगों को स्वास्थ्य की प्रगति इस संस्था का मौलिक उद्देश्य है। जहां तक इसके संगठन की बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ढांचा कैसा होता है, तो पहली बात तो ये जान लें कि इसमें वही सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं WHO के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। सभी राष्ट्रों के लिए इसकी सदस्यता खुली है, बशर्ते वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हों। इनका तीन रूप से मूल ढांचा है, पहला साधारण सभा, दूसरा कार्यकारिणी समिति और तीसरा सचिवालय, जनरल असेंबली, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सचिवालय। जनरल असेंबली सभी राष्ट्रों की सदस्यता इसमें रहती है, पहली बात। हर राष्ट्र का एक प्रतिनिधि रहता है, दूसरी बात। और इसका काम क्या है, नीतियों का निर्धारण करना, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का, विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, बजट को स्वीकार करना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिवेदनों पर चर्चा करना। ये हुआ सामान्य सभा, जो उसकी एपेक्स बॉडी है। दूसरा मैंने बताया कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें कुल 24 सदस्य होते हैं और इनकी सदस्यता का निर्धारण सदस्यों की विशिष्टता के आधार पर किया जाता है। वर्ष में इसकी कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। और इस प्रकार 2 बैठकों के माध्यम से, न्यूनतम 2 बैठकों के माध्यम से ये योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, इसके तीसरे अंग पर, जो है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। इसका जो मुखिया होता है वह डायरेक्टर जनरल कहलाता है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। और इसका जो दूसरा कार्यालय है वो जिनीवा में है। इसके कार्य क्या हैं, सचिवालय के कार्य, या हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में WHO के कार्य क्या हैं? पहला, परामर्शदात्री के रूप में, एडवाइज़र, सलाहकार के रूप में। और दूसरा है तकनीकी सेवाएं। तकनीकी सेवाओं से अर्थ है टेक्निकल एक्सपर्टीज़। इसके मातहत जो स्वास्थ्य संबंधी
जो अमला है इसके पास, डॉक्टरों की टीम है, उनकी मदद से स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करवाने का प्रयास करना। संक्षेप में यदि हम कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्न कार्य करती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यों का संचालन और समन्वय। गत 2 वर्षों से कोरोना चल रहा है और कोरोना काल के दौरान आपने सतत रूप से टीवी चैनल और मीडिया में WHO के जो कार्यकारी निर्देशक हैं उनके बयान सुने होंगे, जो कोरोना के बारे में विश्व की जनता को अपडेट करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं, संभावित कारण और इलाज बताते रहते हैं, क्योंकि ये सब एक बहुत बढ़िया एक्सपर्ट टीम के जरिए WHO का संचालन होता है। तो इसका पहला कार्य हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यों का संचालन, जैसे इसने कोरोना का संचालन किया। दूसरा जो इसका कार्य क्षेत्र है वह है संक्रामक रोग और महामारियों को समाप्त करने का प्रयास करना, उसका निदान करना। किसको? संक्रामक रोग और महामारियां, उसको पोलियो। विश्व में पोलियो हर देश में था, पर पोलियो की बीमारी से अब विश्व लगभग मुक्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र एकाध देश ही बचे होंगे जहां अभी भी कुछ लोग पोलियो ग्रसित हैं, लेकिन कुछ अभियान चलाकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि विश्व पोलियो मुक्त हो जाए, और उसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली है। तीसरा कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य के संबंध में अनुसंधान। स्वास्थ्य के संबंध में अनुसंधान, रिसर्च करना। ये जैसे कोरोना काल में जो रिसर्च हो रहा है कोरोना के कारणों को लेकर, इसके वायरस की विभिन्न जातियों को लेकर, प्रजातियों को लेकर, कोरोना को रोकने और उसके कोरोना होने के बाद के परिणामों को लेकर, ये WHO के अधिकारियों के, डॉक्टरों के मातहत बहुत सफल रूप से इसे संचालित कर रहे हैं। अगला कार्यक्षेत्र, आकस्मिक घटनाओं को रोकना। आकस्मिक कैसे? जैसे कुछ अचानक किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी मामला आ जाए तो उसकी रोकथाम के प्रयास करना। पांचवा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके स्तर को ऊपर उठाना, क्योंकि इनका मानना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और वो भी मेडिकल शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा का जितना ज़्यादा विस्तार प्रचार होगा वह उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। अगला कार्यक्षेत्र, विभिन्न बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना, यानी एक बीमारी का एक नाम एक देश में हो और दूसरे देश में दूसरा नाम हो तो इससे संवाद में बहुत दिक्कत होती है, मामले को सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इससे बचने के लिए WHO इस बात के लिए अधिकृत है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करता है विभिन्न बीमारियों को लेकर। जैसे कोरोना की बीमारी, ये एक नई बीमारी आई, इस नाम का निर्धारण, या कोविड, इस नाम का निर्धारण WHO से होता है। अगला जो इसका कार्य क्षेत्र वह है विश्व के लोगों के वातावरणीय स्वास्थ्य की दशाओं में सुधार करना। वातावरणीय स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ। स्वयं का स्वास्थ्य तब तक अच्छा जब तक वातावरण अच्छा हो। स्वयं के स्वास्थ्य का इलाज, स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार, वो एक मुद्दा है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ वातावरण भी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट भी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का भी प्रयास करना हो, लिविंग कंडीशन में सुधार लाने का प्रयास करना, ये भी उसके दायरे में आता है। इसके बाद अगला कार्यक्षेत्र,
विभिन्न देशों में बाल स्वास्थ्य और अन्य कल्याण की योजनाएं संचालित करना और उसके बाद उसमें वृद्धि करना, बाल स्वास्थ्य में संचालन और वृद्धि, दवाइयां, खाद्य, अन्य वस्तुओं का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निर्धारित करना, इनका दवाइयों का, खाद्य पदार्थों का और अन्य ईटेबल्स का क्या मानक है, कितना खाना चाहिए, कौन सी दवाई कितनी लेनी चाहिए, कौन सी दवाई का स्तर क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना है। ये पैमाने तैयार करता है WHO, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निर्धारित करना बहुत अहम काम है, क्योंकि इसके द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड पूरे विश्व में मान्य होगा। और कार्यक्षेत्रों में दसवां जो इसका कार्यक्षेत्र है वह है स्वास्थ्य के प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रविधियों का अध्ययन करना। बहुत लॉफ्टी, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योगदान है या जो कार्यक्षेत्र का दायरा है बहुत विशाल है। निश्चित रूप से विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या और अलग अलग वातावरण, अलग अलग जलवायु, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान वाली जनसंख्या, इनके स्वास्थ्य के सबके अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से WHO इन अपेक्षाओं को पूरा करने में भी बहुत कठिनाई महसूस करता होगा, लेकिन फिर भी यदि हम माने तो इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह बात तय है कि इसमें कुछ दोष भी हैं और इन दोषों का निराकरण भी आवश्यक है यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन को और सार्थक बनाना है, उसकी उपादेयता को और बढ़ाना है। तो यदि हम दोषों की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोषों की, कमजोरियों की, तो पहली कमजोरी है कोष का अभाव। इसके पास अपना फंड नहीं है, अपना कोष नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये रही, जिसके कारण वो अपने बहुत से दायित्वों को संपन्न नहीं कर पाती, अपेक्षाकृत दृष्टि से पूरा नहीं कर पाती, बहुत बार उसे समझौता करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप जब समझौता करना पड़ता है तो उसका दोष भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को जाता है, जो कोष की कमी से सतत रूप से गुजर रहा है। दूसरी कमी इसमें है, दूसरी जो कमजोरी है वो है समन्वय की समस्या। समन्वय का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ की अपनी जलवायु है, अपनी आबोहवा होती है, अपनी जीवन शैली होती है, अपना जीन्स होता है, अपना DNA होता है। तो हर क्षेत्र के, कोई पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रेगिस्तानी इलाकों में अलग समस्याएं, ठंडे क्षेत्रों की अलग समस्याएं, गर्म क्षेत्रों की अलग समस्याएं, आदि आदि। तो ये इतनी विरोधाभासी समस्याएं हैं और इनके क्षेत्रीय कार्यालय इतने फैले हुए हैं कि इनके बीच में समन्वय कई बार नहीं हो पाता। क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच में जो तालमेल है उसमें कमी है और वो कमी के कई कारण हैं, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो वहाँ काम करते हैं, भाषाई समस्या होगी या कोष की समस्या भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुजर रहा है और इसलिए समन्वय की कमी कई बार स्वास्थ्य संबंधी मामले में बड़ी भारी पड़ जाती है। अगली समस्या, विभिन्न योजनाओं का संघर्ष। योजनाओं की मांगें तो होती हैं
लेकिन इन योजनाओं के कारण कई बार टकराव भी पैदा होता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश, अलग अलग गुट अपनी अपनी योजनाओं को अहमियत देना चाहता है, प्राथमिकताएं देना चाहता है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को वह ज़्यादा ज़रूरी समझते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव बनाता है और ऐसी स्थिति में कई बार टकराहट की नौबत भी आ जाती है। उसके बाद अंतिम जो समस्या इसके साथ है वह विचारधाराओं का विवाद। विचारधाराओं का विवाद इनके सदस्यों के बीच में ही जो क्षेत्रीय कार्यालयों में फैले हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विरोधाभास तो रहता ही है। अतः ये इनके जो विभिन्न सिद्धांत हैं वे कई बार परस्पर विरोधी हो जाते हैं, एक दूसरे से संघर्षरत हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, संस्था का जो उद्देश्य है उससे वो भटक जाते हैं और संस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। तो विचारधाराओं का विवाद, विभिन्न योजनाओं का संघर्ष, समन्वय की समस्या और सबसे बड़ा कोष की समस्या। यदि कोष पर्याप्त हो, फंड बहुत हो, तो बाकी समस्याएं भी कुछ हद तक नियंत्रित की जा सकती हैं, पर कोष की समस्या सबसे अहम है। इन सब समस्याओं, कठिनाई, वित्तीय अभाव के बावजूद भी इसमें कोई दो मत नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का योगदान बड़ा अहम रहा है। जैसा कि गत दो वर्षों में कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए गए कार्य बड़े प्रशंसनीय रहे। वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचनाओं का संकलन, इस कार्यक्षेत्र में तो इसका बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है। अभी कोरोना काल में जो भी डेटा, जो भी गणना आती थी वो WHO के माध्यम से आती थी, जो भी आंकड़े आते थे WHO के माध्यम से आते थे, और इस मामले में इसने बड़ी अच्छे तरीके से अपना कार्य किया है, बखूबी निभाया। आने वाले दिनों में तो और उम्मीद है कि संगठन और अधिक जागरूक होगा और इस घटना के बाद, कोरोना में इसके रोल को देखने के बाद और बढ़ती हुई संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनज़र विश्व स्वास्थ्य संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा और सक्रिय बनाया जाएगा, ऐसा विश्वास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिकरण है यूनेस्को, UNESCO। UNESCO यूनेस्को क्या है, ये इसका एक विशिष्ट अभिकरण है। और जैसे 7 जुलाई को उस स्वास्थ्य संगठन स्थापित हुआ था, 7 जुलाई 1948 को, यूनेस्को की स्थापना उससे भी पहले 4 नवंबर 1946 को हो गई। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्थापना का, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कुछ देर पहले मैंने एक उक्ति आपको कही थी कि युद्ध मानव मस्तिष्क में पैदा होता है, अतः शांति को सुरक्षित रखने के लिए आधारशिलाएं भी मानव दिमाग में ही बनाने की जरूरत है। युद्ध मानव मस्तिष्क में पैदा होता है, इसलिए शांति को सुरक्षित यदि रखना है तो हमें उसकी आधारशिला भी मानव दिमाग में ही रखनी पड़ेगी। इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट सीड्स ऑफ पीस हैज टू बी सोड, वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति का विकास और ऐसा करते हुए न्याय देना, कानून और मानवीय स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों
के प्रति सम्मान पैदा करना, ये है यूनेस्को का उद्देश्य और यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को भी तीन संस्थाओं के तीन अंगों के बल पर कार्य करती है, पहला सामान्य सभा, दूसरा कार्यकारी बोर्ड और तीसरा सचिवालय, जैसा WHO का है। इसमें भी सभी सामान्य सभा में UNO के सभी सदस्य, एक एक प्रतिनिधि, और इसका अधिवेशन वर्ष में दो बार। ये नीति निर्धारण, कार्यक्रम निर्धारण, बजट आदि आदि का कार्य करती है, जैसे WHO की सामान्य सभा। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका काम तीन वर्षों के लिए ये कमिटी चुनी जाती है, और इसका काम भी वैसा ही है जैसा कि WHO की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। कार्यवाहक बोर्ड, श्रीमती इंदिरा गांधी, राधा कृष्णन, प्रेम कृपाल इसके सदस्य रह चुके हैं, और कार्यकारी बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करता है कि योजनाएं बनाई जा रही हों, उसके लालन पालन के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही, उसके पालन के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही हो आदि आदि। यह है यूनेस्को का दायरा। यूनेस्को का भवन देखिए कितना विशाल है, और यूनेस्को जहां सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका शांति में निभाता है युद्ध के मामले में, ऐसे यूनेस्को शांति के मामले में। तीसरा इसका जो अंग है वो सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टर जनरल इसका मुखिया, और सचिवालय जो है वो वही सब कार्य करता है जो शिक्षा, समाज और इन मुद्दों से संबंधित हों। यूनेस्को के कार्यों का यदि हम विभाजन करें तो शिक्षा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है, कार्य का जिम्मा है शिक्षा। शिक्षा का प्रसार इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है, शिक्षा का विस्तार, उसकी उन्नति, शिक्षा केंद्रों की स्थापना, वाचनालय की स्थापना, शिक्षा संबंधित विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन, शिक्षा संबंधी विशेषज्ञों का सम्मेलन आदि इसके मुख्य कार्य हैं। यानी यूनेस्को के प्रमुख कार्यों में शिक्षा सर्वप्रथम। और क्यों? बिकॉज वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन, क्योंकि लड़ाई आदमी के दिमाग में होती है। यदि आदमी के दिमाग को शिक्षा के माध्यम से ठीक कर दिया जाए तो लड़ाई जैसी चीज उपजित ही नहीं होगी। दूसरा क्षेत्र जिसमें यूनेस्को कार्य करता है वह है विज्ञान। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के विकास पर बहुत ध्यान देता है, इनके वैज्ञानिक गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, वैज्ञानिक संगठनों की सहायता करते हैं, अनुसंधान रिसर्च में बहुत काम करते हैं, और प्रकाशन या कहना चाहिए इसके प्रसार, अपने रिसर्च का प्रचार प्रसार भी करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की स्थापना के लिए बहुत से विशेषज्ञ और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाती है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थात ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो इसके मातहत आता है, उसका है संबंध संस्कृति से। यूनेस्को सांस्कृतिक संपत्ति को मानव जाति की विरासत मानता है, यानी पुरानी परंपराएं, पुराना हेरिटेज, जो भी इतिहास है उसे वो क्या मानता है? विरासत। और इसे विरासत मानते हुए उसे कितना संचयित किया जा सकता है, उसका प्रयास यूनेस्को के द्वारा होता है। यूनेस्को का सतत प्रयास रहता है कि इन्हें सुरक्षित रखा जाए। इसी उद्देश्य से उसने भारत, कोलंबिया, नाइजीरिया में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले हैं। यूनेस्को ने मानव जाति के इतिहास लेखन के लिए बहुत कार्य किया है। तो पहला सुरक्षित रखना विरासत को, उसका प्रयास। दूसरा इसका कार्य भारत, कोलंबिया, नाइजीरिया में लाइब्रेरी खोलना। तीसरा इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो इतिहास लेखन में प्रोत्साहन का कार्य किया है।
और ऐसा करते हुए सम्मेलन गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करता है, विभिन्न जगहों के विद्वानों का आदान प्रदान करता है ताकि एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के विचार हों। अगला जो इसके इसमें यूनेस्को के संस्कृति के क्षेत्र में जो काम करता है वह है छात्रों को छात्रवृत्ति, भ्रमण अनुदान आदि देना, एक्सचेंज प्रोग्राम करवाना, स्कॉलरशिप देना। और ये सब क्यों करता है? ताकि सांस्कृतिक सद्भावना पैदा हो। सांस्कृतिक सद्भावना पैदा करने के लिए, एक दूसरे में निकटता लाने के लिए, विभिन्न देशों के लोगों में निकटता लाने के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वो करवाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए, संस्कृति संबंधी प्रयासों के जरिए यूनेस्को ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना में काफ़ी योगदान दिया है। पूरी दुनिया जहां एक ओर संचार माध्यमों के कारण सिमटती नज़र आ रही है, वहीं इन सांस्कृतिक आदान प्रदानों ने इस प्रक्रिया में तीव्रता लाने में मदद की है और इसमें यूनेस्को का योगदान बहुत अहम है। यूनेस्को ने जातियों की समस्याओं को भी कम किया है। विभिन्न क्षेत्रों में जो जाति समस्याएं होती हैं उसमें उसका योगदान रहा है, उसको कम करने में। पूरब और पश्चिम के बीच का जो तनाव रहा है, खासकर ध्रुवीय काल में जब विश्व दो ध्रुव था, मानव जाति की भावना को बढ़ाया है, सामूहिक शिक्षा में वृद्धि की है और साथ ही एक बहुत अहम काम उसने किया, वह शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता। विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्भाग्य से एक देश छोड़कर दूसरे देश राजनीतिक कारणों से खासकर लोगों का पलायन हो रहा है। ऐसे लोग जो एक देश छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पलायन किए हैं, उनके जीवन यापन का इंतजाम, उनके पुनर्वास का इंतजाम करने में यूनेस्को ने अहम भूमिका निभाई है। ये तो यूनेस्को के उद्देश्य और उसके बाद उसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख। इन सब के बावजूद, जैसे हर जगह होता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और दूसरा पहलू, बुरा पहलू। और आप जितना ही ज़्यादा कार्य करोगे, जितना ही आपका कार्य क्षेत्र विस्तृत रहेगा, जितने ही आपके उद्देश्य ऊंचे होंगे, उतनी ही आप में कमजोरियां भी नज़र आएंगी। तो इसी प्रकार यूनेस्को की भी कुछ अपने दोष हैं। इन सब अच्छे कार्यों के बावजूद इनके दोषों की यदि बात करें, कमजोरियों की बात करें, तो पहला ये है कि इसकी जो आकांक्षाएं वो बहुत ऊंची हैं, लॉफ्टी, बहुत ऊंचे लक्ष्य रखा है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। ये एक दोष है। दूसरा वही आर्थिक समस्या, धन की कमी, क्योंकि धन की कमी WHO में भी है, धन की कमी यूनेस्को में भी है, धन की कमी कुछ और अभिकरणों में भी है। उसका कारण यह है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का काफ़ी पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों के स्थापन में और सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर उसमें खर्च हो जाता है, बचा खुचा पैसा दूसरी जगह। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, इनको या तो अपना योगदान, आर्थिक योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बढ़ाना होगा, और या फिर हथियारों या सुरक्षा मदों पर किए गए खर्चों की में कटौती करनी होगी। तो इसकी दूसरी समस्या है, दूसरा दोष है पर्याप्त धन की कमी। तीसरा इसका दोष है कि यूनेस्को का जो संविधान है वह थोड़ा स्पष्ट नहीं है। इसके संविधान में ऐसा दिखता है कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को यूनेस्को में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल गया है। वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में
वहाँ के ज्योग्राफिकल क्षेत्र के अनुपात में यूनेस्को नाम की संस्था में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को ज़्यादा प्रतिनिधित्व। परिणाम क्या हुआ कि दूसरे देश इस बात से नाराज हैं, वे इसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए देशों के द्वारा यूनेस्को के नाम से दिया गया योगदान भी नहीं बढ़ पा रहा। अगली कमी जो इसमें है, जो मैंने पूर्व में बताया कि सदस्य राष्ट्र इसको पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं दे रहे। उसके बाद अगली कमी शक्ति की राजनीति जो चली महाशक्तियों के बीच, ताकतवर देशों की राजनीति और शीत युद्ध, इसने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया। क्योंकि ये ताकतवर देश, ये शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि यूनेस्को शिक्षा जैसे क्षेत्र में विकासशील या अविकसित देशों पे ज़्यादा खर्च करें। वे लोग बल्कि बाधाएं उत्पन्न करते थे यूनेस्को के कार्य में और चाहते थे कि सांस्कृतिक मुद्दों पर जो बजट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च वे इन देशों में करें जो उनसे फ्रेंडली हैं, जो उनके खेमे के हों। तो इस प्रकार अगली कमजोरी इसकी थी कि शक्ति की राजनीति और शीत युद्ध ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया और उसके कार्यों में बाधा पहुंचाई। अब अंतिम कमी की यदि मैं बात करूं तो वो है कि ये जो संस्था है ये भौतिक रूप से कार्रवाई तो कर नहीं पाती, तो उपदेशात्मक ज़्यादा है। और जब आप उपदेशात्मक होते हो, प्रवचनकारी होते हो, तो वो आपकी कमजोरी ही बताता है, क्योंकि आप लागू करने में सक्षम नहीं हो। आप उसे कार्यक्षेत्र में लागू करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हो, इसलिए आपकी नीतियाँ उपदेशात्मक हो गई हैं। ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसी भाषा यूनेस्को के द्वारा ज़्यादा बोली जा रही। और इसका परिणाम क्या हुआ है कि ये संस्था मजबूत नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनेस्को के लक्ष्य तो नेक हैं, परंतु आर्थिक संकट से ये बुरी तरह हिल चुका है। अमेरिका ने कई वर्षों तक यूनेस्को को दिया जाने वाला अनुदान ही रोक दिया, क्योंकि अमेरिका की बार बार ये शिकायत थी कि अनुदान का ज़्यादा खर्च वो ऐसे देशों पे कर रहा है जो शायद उसके खेमे में ना हो। तो अमेरिका के द्वारा अनुदान रोका जाना यूनेस्को को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अन्य संस्थाओं में एक मेजर डोनर के रूप में जाना जाता है। जनवरी 1985 से अमेरिका ने यूनेस्को से अपना संबंध ही तोड़ लिया। जनवरी 1985 से ब्रिटेन 1986 से अलग हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति की राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत विकसित देशों ने अपने निजी स्वार्थ को बढ़ाने के लिए यूनेस्को को पंगु बना दिया, और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मेजर डोनर का यूनेस्को से हट जाना यूनेस्को के लिए निश्चित रूप से एक बहुत तकलीफदेह काल है। उसके बावजूद विश्व में एकता, आध्यात्मिक भावना, विश्व शांति, मानवीय गुण, इनके विकास में यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान रहा है।